नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं जेपी सिंह स्वागत करता हूँ आपका केमिस्ट्री गुरुजी चैनल में। और ये हमारा जो लेक्चर है वो फजान के नियम के ऊपर है। इसमें हम फजान के नियम के जो हमारे कुछ एग्जाम्पल्स हैं उन्हें डिस्कस करेंगे, ठीक है। लास्ट वाली वीडियो में हम पढ़ चुके हैं कि जो हमारा फजान का रूल है वो किस किस बेसिस पे होता है, फजान्स ने किसे समझाया था। चलिएगा एक बार देख लेते हैं फजान्स के नियम में क्या समझाया है। तो प्यारे बच्चों, फजान्स के नियम में जो समझाया गया है वो समझाया गया है पोलराइजेशन एंड पोलराइजेबिलिटी को, ठीक है। तो फजान्स के नियम में जो समझाया गया है वो समझाया गया है पोलराइजेशन एंड पोलराइजेबिलिटी को। और आज हम इसी पर ही डिस्कस करने वाले हैं, कुछ ऐसे ही एग्जाम्पल हम लेने वाले हैं जिनमें हम बार बार बात करेंगे किसकी, पोलराइजेशन की या फिर पोलराइजेबिलिटी की, ठीक है। तो फजान के नियम से शुरू करते हैं और कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। अगर आपने फजान्स के नियम की वीडियो नहीं देखी है तो इससे जस्ट जो हमारी पहले वाली वीडियो है वो हमारी फजान के नियम के ऊपर ही है, तो आप उसे देख लीजिएगा और आपका जो भी डाउट है आप उससे अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे पोलराइजेशन और पोलराइजेबिलिटी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का लेक्चर, ठीक है, या फिर हम इसे क्या बोल रहे थे, फजान का नियम। फजान के नियम के अलावा हम इसे और क्या बोल सकते हैं, क्या नहीं बोल सकते हैं, इसे हम बोल सकते हैं पोलराइजेशन या फिर पोलराइजेबिलिटी। अब हम इसमें एक एग्जांपल लेंगे पहला, जो हमें फजान के रूल के अनुसार ही डिस्कस करना है। तो वो हमारा नियम, सॉरी हमारा एग्जांपल है CuO और CuS। हमें ये बताना है कि CuO में से और CuS में से कौन ज्यादा पोलराइजेशन पावर रखता है, ठीक है। किसकी पोलराइजेशन पावर कैसी है, ज्यादा है, और किसकी कम है, हमें बताना। सीधा सीधे सी बात है कि कौन मोर पोलराइजेशन पावर रखता है, ठीक है। चलिए देखिए इसके एग्जांपल में जब हम बात करेंगे तो हमें एग्जांपल मिला है CuO और CuS। यहां अगर आप इन्हें ध्यान से देखेंगे CuO को और CuS को, तो इसमें से जो हमारे पास में जो फर्स्ट वाला है CuO, इसमें ध्यान से देखिएगा CuO और CuS में जो हमारे पास में कैटायन है, जो हमारा Cu2+ बना हुआ है, वो दोनों में कैसा है, सेम है, ठीक है। दोनों में से कोई से में भी वो अलग अलग नहीं है, ठीक है। तो कैटायन को छोड़ देंगे, बात करेंगे किसकी, एनायन की। तो जो हमारा फर्स्ट वाला है, फर्स्ट वाले में हमें जो एनायन मिला हुआ है वो एनायन हमारा कौन सा मिला हुआ है, इसमें ओ है, और दूसरे वाले में जो एनायन है वो हमारे पास में कौन है, एस है। जो ऑक्सीजन है, जो ऑक्सीजन एटम है उसका जो साइज होता है वो छोटा होता है, किससे, सल्फर से, और जो सल्फर का साइज होता है वो ऑक्सीजन से बड़ा होता है। तो इस कंडीशन में जो अधिक पोलराइजेशन पावर होगी वो किसकी होगी, CuS की होगी। क्यों, क्योंकि जो फजान का रूल है वो ये कहता है कि अगर एनायन का साइज बड़ा होगा तो वो कैटायन को अधिक पोलराइजिंग पावर से अट्रैक्ट करेगा, और इसकी पोलराइजिंग पावर कैसी हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। जो पोलराइजेबिलिटी है वो कैसी आएगी, उसकी ज्यादा आएगी, मैक्सिमम आएगी। तो इन दोनों में जो हमारा बड़ा होगा वो कौन सा होगा, वो हमारा होगा CuS, ठीक है। इसकी पोलराइजेशन पावर हमारी कैसी होगी, ज्यादा होगी। चलिएगा एक बार इसका आंसर देख लेते हैं जो हमने अपने आंसर में इसमें दिया हुआ है। तो आंसर में हमने इसमें लिखा हुआ है कि CuS विल बी मोर कोवेलेंट देन CuO, कि जो CuS है वो मोर कोवेलेंट है किससे, CuO से। प्यारे बच्चों, जो फजान का रूल है वो डिस्कस ये करता है कि कोवेलेंट कैरेक्टर किसमें ज्यादा है और किसमें कम है, ठीक है। तो यहाँ कोवेलेंट कैरेक्टर की ही बात हो रही है, तो जो कोवेलेंट कैरेक्टर है वो ज्यादा किसमें है, ठीक है, ज्यादा किसमें है, CuS में, और कम किसमें है, CuO में। उसी कैरेक्टर की हम यहाँ बार बार बात भी कर रहे हैं। तो इसमें हमने लिखा हुआ भी कुछ इसी टाइप का है जो आपको मेरे पीछे स्क्रीन पर यहाँ दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसी टाइप का ही है, CuS विल बी मोर कोवेलेंट देन CuO, कि जो CuS होता है उसकी पावर ज्यादा होती है, ठीक है, उसकी जो कोवेलेंसी होती है वो कैसी होती है, ज्यादा होती है, किससे, CuO से। दिस इज बिकॉज, इसका कारण होता है, इन दीज कंपाउंड्स, इन कंपाउंड्स में कैटायन Cu+ इज सेम, इन कंपाउंड्स में जो आपका Cu2+ आयन है वो कैसा है, सेम है, बट S2- एनायन इज बिगर देन ऑक्सीजन 2- आयन, पर इसमें जो हमारा S2- आयन है वो हमारा O2- आयन से कैसा है, बड़ा है, bigger than, मतलब बड़ा है। तो यहां हमने लिख दिया है इसमें कि the Cu2+ आयन will polarize S2- आयन more than O2- आयन। तो इसमें हमने लिखा हुआ है कि जो S2- है वो अधिक पोलराइजिंग पावर से अट्रैक्ट करेगा किसे, Cu2+ आयन को, और जो हमारे पास में इसमें दूसरा है O2- वो कम पोलराइजिंग पावर से अट्रैक्ट करेगा किसे, Cu2
प्लस टू, ये पहला जो एग्जाम्पल आपके समझ में आ गया होगा। बात करेंगे अपने दूसरे एग्जाम्पल की, हमने इसमें एक दूसरा एग्जाम्पल भी लिया हुआ है, ठीक है। कुल मिलाकर हम इसके पांच एग्जाम्पल पढ़ेंगे, ठीक है। पांचों के पांच ही एग्जाम्पल हमारे कैसे हैं, इसमें बिल्कुल अलग अलग हैं, डिफरेंट है, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं अगले एग्जाम्पल की। अगला एग्जाम्पल हमारे पास में है एल आई सी एल और एन ए सी एल, ठीक है। आप एल आई सी एल को देखेंगे तो उसमें एल आई प्लस है, सी एल माइनस है, और दूसरे की बात करेंगे तो दूसरा हमारे पास में है एन ए प्लस और सी एल माइनस, ठीक है। यहाँ हमारे पास में एन आई एन दोनों में सेम है, ठीक है, सी एल माइनस है दोनों में, तो एन आई एन सेम है। मगर जो कैटायन की बात करेंगे तो कैटायन एक में कौन सा है, एल आई प्लस, और दूसरे में कितना है एन ए प्लस। प्यारे बच्चों, एल आई का जो साइज होता है वो छोटा होता है किससे, एन ए प्लस से। और फजान का नियम कहता है कि जिस कैटायन का साइज छोटा होगा उसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी, और वो मोर पोलराइजिंग पावर से अट्रैक्ट करेगा कैटायन को, ठीक है। तो यहाँ साइज किसका छोटा है, एल आई का, तो एल आई क्या हो जाएगा, जो एल आई सी एल है वो मोर कोवेलेंट कैरेक्टर रखेगा किससे, सीएल से। तो इसमें ऐसे लिखा हुआ पाएगा आपको शुरू में जब हम इसके आंसर की बात करेंगे कि एल आई सी एल इज मोर कोवेलेंट देन एन ए सी एल, कि जो एल आई सी एल है वो एन ए सी एल से ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर रखता है, ठीक है। चलिएगा देख लेते हैं इसका आंसर, देखिएगा आंसर कुछ इसी टाइप से इसका लिखा हुआ भी है, आप इसे देख सकते हैं। एल आई सी एल विल बी मोर कोवेलेंट देन एन ए सी एल, कि जो एल आई सी एल होता है वो NaCl से मोर कोवेलेंट होता है, बहुत ज्यादा, ठीक है, ठीक है। थोड़ा बहुत हो चाहे कितना भी हो, मगर इसमें लिखा हुआ है कि मोर कोवेलेंट देन, ज्यादा होता है, सीधी सी बात है, किससे, NaCl से। दिस इज बिकॉज, इसका कारण होता है इन दीज कंपाउंड्स, इन कंपाउंड्स में एनायन Cl- इज द सेम, जो एनायन है Cl- वो कैसा होता है, सेम होता है, बट Li+ आयन हैज स्मॉलर साइज देन एन ए प्लस आयन, पर जो हमारे पास में इसमें एल आई प्लस आयन है उसको जो साइज होता है वो छोटा होता है किससे, एन ए प्लस आयन से। दस एल आई प्लस आयन विल पोलराइज सी एल माइनस आयन मोर देन एन ए प्लस, तो इसमें जो हमारा एल आई प्लस होगा वो मोर पोलराइजिंग पावर से अट्रैक्ट करेगा किसे, सी एल माइनस को। तो इसमें मोर पोलराइजिंग पावर किसकी होगी, एल आई सी एल की होगी, ठीक है। चलिए एक अगला एग्जाम्पल इसका लेते हैं। तो जो अगला एग्जाम्पल हमने इसका लिया है वो अगला एग्जाम्पल हमारे पास में है एन ए सी एल का और ए जी सी एल का। बात करेंगे तो ए जी सी एल का बड़ा साइज है, बेशक बड़ा साइज है, ठीक है, इस टाइप से हम इसमें बोल देंगे। और एन ए सी एल का जो साइज है वो कैसा है, इससे छोटा है। मगर याद रखिएगा प्यारे बच्चों, इसमें जो हमारे पास में ए जी एल एटम आएगा, ए जी प्लस जो बनेगा, उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होगा वो नॉन इनर्ट गैस के जैसा होगा, जिसका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन नॉन इनर्ट गैस के जैसा होता है, ठीक है। उसकी पोलराइजिंग पावर कैसी होती है, ज्यादा होती है, मैक्सिमम होती है। तो इस केस में NaCl लेस कोवेलेंट कैरेक्टर रखता है किससे, AgCl से। आंसर भी इसका ऐसे ही हो जाएगा कि AgCl इज मोर कोवेलेंट देन NaCl, ठीक है, कि जो AgCl का कोवेलेंट कैरेक्टर है वो ज्यादा है किससे, NaCl से। चलिएगा एक बार इसका भी आंसर अब हम देख लेते हैं। तो इसके आंसर में भी हमने बहुत ही प्यार से साफ साफ लिखा हुआ है AgCl will be more covalent than NaCl, कि जो AgCl होता है वो मोर कोवेलेंट होता है किससे, NaCl से। इन दीज कंपाउंड्स, इन कंपाउंड्स में Ag+ आयन हैज नॉन नोबल गैस टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। आप नॉन इनर्ट गैस भी लिख सकते हैं, नॉन नोबल गैस भी लिख सकते हैं। इस केस में जो Ag+ आयन रखता है वो रखता है नॉन नोबल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, ठीक है, जो हमने दिखाया हुआ भी है। वेयर एज Na+ आयन है नोबल गैस टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, पर इस केस में जो हमारे पास में Na+ है वो कैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन रख रहा है, वो रख रहा है केवल इनर्ट गैस के जैसा, ठीक है। दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हमने इसमें आपको दिखाया हुआ है, इसे आप आराम से देख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। ये वाला जो है हमारा ये नॉन इनर्ट गैस का है, और जो यहाँ दूसरे वाले केस में हमने दिखाया है ये हमारा किसका है, यहाँ इनर्ट गैस का है। द डी इलेक्ट्रॉन्स ऑफ Ag+ आयन, कि जो डी इलेक्ट्रॉन्स है किसके, Ag+ आयन के, स्क्रीन द न्यूक्लियर चार्ज लेस इफेक्टिवली देन S एंड P, कि इनका जो स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है वो कैसा होता है, कम होता है किससे, S और P ब्लॉक एलिमेंट से, ठीक है। जबकि S और P ब्लॉक एलिमेंट्स का स्क्रीनिंग इफेक्ट कैसा होगा, ज्यादा होगा। तो इसमें हमने लिख दिया है प्यारे बच्चों, Ag+ आयन बिहेव्स एज इफ इट इज ए
ग्रेटर चार्ज। तो यहाँ एजी प्लस जो बिहेव करेगा, जो अपना कैरेक्टर दिखाएगा, वो ऐसे दिखाएगा कि एजी प्लस पे जो चार्ज है वो कैसा है, ज्यादा है, और एनए प्लस पे कैसा है वो कम है। ऑन अकाउंट ऑफ दिस एजी प्लस आयन विल पोलराइज सीएल माइनस आयन मोर स्ट्रॉन्गली देन एनए प्लस आयन। और इस कंडीशन में जो एजी प्लस आयन होगा वो अधिक पोलराइजिंग पावर से अट्रैक्ट करेगा किसे, ऋण आयन को, मतलब एनआयन को, ठीक है, सेल माइनस आयन को। ठीक है प्यारे बच्चों, वीडियो कैसी लग रही है आपको, वीडियो को लाइक कीजिएगा और इसे शेयर भी करते रहिएगा। चलिए इसका अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगला एग्जाम्पल इसका जो हमारे पास में है, वो हमारे पास में अगला एग्जाम्पल है इसका AgCl3 का और AlF3 का। ये हमारा इसका फोर्थ एग्जाम्पल है, AgCl3 और AlF3। अब हमें इनमें बताना है कि AgCl3 में और AlF3 में किसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है, कौन मोर कोवेलेंट है और कौन लेस कोवेलेंट है। बात करेंगे किसकी, इसमें एनायन की, तो एनायन दोनों में अलग अलग है, एक में सीएल माइनस है और दूसरे में कौन सा है, एफ माइनस, ठीक है। जबकि इनमें जो कैटायन है, दोनों के दोनों में कैटायन सेम है, Al3+ दोनों के दोनों में है, तो कैटायन की कोई बात नहीं होगी, जो सेम होगा उसकी हम कोई बात नहीं करेंगे, बात उसकी करेंगे जो दोनों में कैसा होगा, डिफरेंट होगा। तो डिफरेंट कौन है, एनायन है, ठीक है, कैटायन दोनों में सेम है। तो प्यारे बच्चों सीएल माइनस का जो साइज होता है वो एफ माइनस से बड़ा होता है, और फजान के रूल के अकॉर्डिंग जिस एनायन का साइज बड़ा होगा वो मोर पोलराइजिंग पावर रखेगा, जिससे आपका जो मॉलिक्यूल होगा, जो कंपाउंड होगा, वो कैसा हो जाएगा, मोर कोवेलेंट हो जाएगा। तो इनमें जो मोर कोवेलेंट करेक्टर रखता है वो रखता है AlCl3, जबकि जो लेस कोवेलेंट करेक्टर रखता है वो रखता है इसमें AlF3। चलिएगा एक बार इसका भी आंसर देख लेते हैं। AlCl3 विल बी मोर कोवेलेंट देन AlF3, पहले ही हम इसे समझ चुके हैं, क्यों, क्योंकि Cl का साइज बड़ा होता है किससे, F से। इन दीज कंपाउंड्स, इन कंपाउंड्स में जो कैटायन है Al3+ आर सेम, वो कैसा है, सेम है, बट Cl माइनस इज बिगर देन F माइनस आयन, पर यहाँ जो Cl माइनस आयन है वो बड़ा है किससे, वो बड़ा है हमारे पास में F माइनस आयन से। दस इस कंडीशन में Al3+ आयन विल पोलराइज Cl माइनस आयन। इस कंडीशन में जो हमारा Al3+ आयन है वो ज्यादा पोलराइज होगा किससे, Cl माइनस आयन से, ठीक है। द एफ माइनस आयन इज वेरी स्मॉल, और जो हमारा एफ माइनस आयन है वो कैसा है, बहुत ही छोटा है साइज में, कैसा है, छोटा है, एंड कैन नॉट बी पोलराइज द Al3+ आयन, और वो Al3+ आयन को इतना ज्यादा पोलराइज नहीं करने का है जितना ज्यादा आप इसे मेरे पीछे लिखे हुए को भी देख रहे होंगे, ठीक है, ज्यादा पोलराइज नहीं कर पाने का है। चलिएगा अगले एग्जाम्पल की बात करेंगे। तो जो अगला एग्जाम्पल है ये हमारा इसका लास्ट एग्जाम्पल है SnCl2 और SnCl4। ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों, इसमें हमारे पास में जो कैटायन है वो भी सेम है और एनायन भी सेम है, मगर अंतर है तो कैटायन के साइज का। बात करेंगे पहले वाली कंडीशन में, इसमें तो जो हमारे फर्स्ट वाला है SnCl2, इसमें हमारे पास में होता है SN2+, और जो सेकेंड वाला है इसमें होता है SN4+। तो SN4+ साइज में छोटा होगा और SN2+ साइज में कैसा होगा, बड़ा होगा। जो साइज में छोटा होता है कैटायन उसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी, और जिसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी उसका कोवेलेंट कैरेक्टर भी कैसा होगा, ज्यादा होगा। तो इन दोनों में जो मोर कोवेलेंट कैरेक्टर रखता है वो रखता है SnCl4, ठीक है। तो दोनों के दोनों में जो मोर कोवेलेंट कैरेक्टर रखता है वो कौन रखता है, SnCl4 रखता है। चलिएगा इसका भी आंसर देख लेते हैं। तो इसके आंसर में हमने बिल्कुल एकदम साफ साफ लिखा हुआ है, ठीक है, क्या लिखा हुआ है इसके आंसर में, पढ़ पा रहे हैं, SnCl4 विल बी मोर कोवेलेंट देन SnCl2, ठीक है। एक मिनट रुक जाइएगा, मैं इसे एक बार आपके लिए सही कर देता हूं, तो ये हमारे लिए ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है, क्योंकि फिर इसमें से रफ हो जाएगा है। रेजोल, ठीक है, चलिए समझते हैं इसे। SnCl4 विल बी मोर कोवेलेंट देन SnCl2, कि जो SnCl4 होता है उसका कैरेक्टर जो होता है, जो कोवेलेंट कैरेक्टर होता है वो मोर देन होता है किससे, SnCl2 से। दिस इज बिकॉज, इसका कारण होता है इन SnCl4, ठीक है। SnCl4 में क्या होता है, SN4+ आयन पाया जाता है, ठीक है, जबकि SnCl2 में SN2+ आयन पाया जाता
है, इसमें लिखा हुआ भी है इन SnCl2 द SN4 प्लस आयन हैज स्मॉलर देन सॉरी स्मॉलर साइज एंड ग्रेटर चार्ज। ठीक है, जो SnCl2 होता है इसमें सॉरी SnCl4 जो होता है इसमें SN4 प्लस आयन पाया जाता है जो साइज में छोटा होता है और उस पर चार्ज कैसे होता है ज्यादा होता है, ग्रेटर चार्ज होता है। ठीक है, फिर इसके बाद में हमने लिखा है इन SnCl2 में कौन सा आयन पाया जाता है, देन SN2 प्लस आयन इन SnCl2, जबकि SN2 प्लस आयन जो फाउंड होता है पाया जाता है किसमें SnCl2 में, एज ए रिजल्ट इसका रिजल्ट होता है कि जो SN4 प्लस आयन होता है विल पोलराइज देन Cl माइनस आयन मोर स्ट्रॉन्गली देन SN2 प्लस आयन। तो इसका जो रीजन होता है वो ये होता है कि जो SN4 प्लस आयन होगा वो SN2 प्लस आयन की अपेक्षा क्या काम करेगा, कंपेयर में क्या काम करेगा, Cl माइनस आयन को अधिक पोलराइज कर देगा। ठीक है, तो कैरेक्टर कैसा हो जाएगा इसका, मोर कोवेलेंट इसका SnCl4 का। प्यारे बच्चों आज की वीडियो में आपके लिए इतना ही है, वीडियो आपको कैसी लगी ठीक है कमेंट करना ना भूलिएगा। अब आप बहुत सी बार आप कह रहे थे कि सर बोर्ड पे पढ़ाइएगा कुछ समझने में समस्या आती है, तो याद रखिएगा लगभग हमारी बोर्ड जैसी ही कंडीशन है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, वीडियो को शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू।